नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक अच्छी वीडियो लेके, एक मोटिवेशनल वीडियो लेके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स नाउ। सो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि मेरे पिछले 6 ईयर की करियर के अंदर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, वो कॉलेजेस में हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, कंपनीज़ में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, तो जितने भी मैंने स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ाए हैं, तो उनमें से 100% 80% भी नहीं बोल सकता मैं, 35% और 40% स्टूडेंट जो हैं वो मेरे टच में हैं, और प्रॉपरली मैं उनका जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। और क्या है कि कभी कभी उनसे बात हो जाती है, तो उन्हीं में से क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी इस लॉकडाउन के दौरान, ये पता करने के लिए वो कहाँ है और किस तरह से उन्होंने मेरे द्वारा कराए गए कोर्स से किस हिसाब से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर, और वो किस जगह हैं आज उस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड, बताना चाहता हूँ, यहाँ पिछले 5 साल के अंदर, 5 साल से पहले के जो स्टूडेंट से ऑलमोस्ट सभी सेट हो चुके हैं, अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, कंपनीज़ के अंदर इंजीनियर लेवल पर वो काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र लेवल पर वो काम कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स थे वो इंजीनियर में तब्दील हो चुके हैं दोस्तों। और क्या है कि सबको अच्छी ग्रोथ मिली है, और मुझे खुशी होती है कि उन सभी ने क्या है कि अपना जो टारगेट है वो अचीव किया है। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरा है, पूरा बताना चाहूँगा मैं 100% तो स्टूडेंट ही अपना देता है वो चीज़ है। तो ऑलमोस्ट मेरी यही गुजारिश है कि आप भी क्या है कि मेरी वीडियोस से बने रहें, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेरी जितने भी वीडियोस हैं आप उनको देखें, उनसे आप फ़ायदा उठाएं। आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं और अच्छे से अच्छी लैंग्वेज में उस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अब ये वही वीडियोस हैं, इन्हीं वीडियोस को मैंने फिज़िकली बोर्ड पे बंदों को बताया है, स्टूडेंट्स को बताया है, तो अगर उनको समझ में आया तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। दोस्तों बता देना चाहता हूँ दोस्तों, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन साथ में क्या है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी पकड़ बना के रखोगे तो आप ज़्यादा बेटर रहोगे, फायदे में रहोगे, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, बजाय बस एक ही चीज़ के पीछे भागने से। ठीक है दोस्तों, हाँ ये ज़रूर है कि आप क्या है कि दोनों तरफ कोशिश करते रहो, और जो प्राइवेट जॉब्स के अंदर होता है ऐसी बात नहीं स्टेबिलिटी नहीं होती, हमेशा स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, बस इसके अंदर आपको तालमेल बिठाना आना चाहिए, जो कि आप टाइम के हिसाब से आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, और नए बच्चों को, नए बंदों को डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन 1 से 1.5 साल बाद आप उन्हीं से पूछोगे तो आप पाओगे कि यार उन्होंने बिल्कुल कुछ ना कुछ पाया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं अपने स्टूडेंट से रूबरू करवाऊंगा, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, और बने रहें मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।